तुम्हें यही इंग्लिश परीक्षा रे जदि केवल यही आठटा चैप्टर उपर अधिका फोकस कर तेबे तुमर 80 रु 56 मार्क केही मद काटी परिबे नाही। किंतु तुम जदि यही 10टी चैप्टर उपर जदि केवल फोकस कर यही 8टी चैप्टर को जदि नेग्लेक्ट कर तेबे तुमर 80 रु केवल आ केवल 24 मार्क आसीबो। तेबे चिंता कर तुम्हें कोडा उपर अधिक फोकस करबा उचित यही 8टा चैप्टर उपर नाही 10टा चैप्टर उपर ठीक अछि। तो चलो समस्त पे आम साफ लर्नर एजुकेशन चैनल को मुझे स्वागत करुच्ची। तो यही वीडियो रे आम तुम जो इंग्लिश परीक्षा अच्छी ठीक अच्छे जहाँकि तुम अच्छी के 29/4/2022 जो अच्छी से आम किपरी पढ़ले आमर अधिक स्कोर रही पार अप टू आम 95% आनी पार आम आज यही वीडियो रे डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो चलो सर्वप्रथम आम तुम क्वेश्चन पैटर्न को आम देखीदा तापर आम स्ट्राटेजी को जीवा जदि आम तुम क्वेश्चन पैटर्न को देखा जहाँकि आमर बीएससी बीएससी ओडिशा द्वारा प्रदान कर तेज आम देखा पाइबाजे तुम 80 मार्क परीक्षा हे जो थ्रु 50 रम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउ 30 आसो तुम सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जो 30 मार्क जो दीर्घ उत्तरमूलक जो प्रश्न आसो से देखा टिके पूर्व आम एमसीक्यू देखीदे जो एमसीक्यू पे जो 50 मार्क आसो से कौथ्रु कौ आसो तुम जो डिटेल टेक्स्ट अच्छी जहाँ आम कहीपर कौन कह गद्य आ पद्यर समाहार बोली से आसो ता सहित नॉन डिटेल जो टेक्स्ट अच्छी से आसो आ ग्रामर मत आसो। तो तीनटा सेक्शन रु 50 प्रश्न आसो ठीक अच्छे। यहाँ पर तुम जो 30 मार्क जो सब्जेक्ट अच्छी पे मुख्यतः तीनटा नंबर आसो कौन हो ना तीनटा नंबर आसो जहाँकि तुम ये देखिपुर थो एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर एमती तीनटा नंबर आसो। तो प्रति नंबर मार्क हम पे 10 मार्क जहाँकि तुम ये देखिपुर थो ठीक अच्छे। तो एक नंबर पे कौन आसो ना अल्टरनेट क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री तुम्हार जो पद्य और जो गद्य विभाग अच्छे पे टोटाल तुम पे पद्य अच्छे 4टा आ गद्य अच्छे 3टा 4-3 7टा ये 7टा पाठ पे तुम 5 मार्क दीरे आसो ठीक अच्छे। 5 मार्क दीरे आसो जोटा कि रोक 10 मार्क। दुई नंबर क्वेश्चन आसो तुम एसे लिखापी कि तार अर्रे लेटर रईट आप्लिकेसन ठीक अच्छे आप्लिकेसन लिख लेटर रईट लिख। तो लेटर राइटिंग होची 5 मार्क आप्लिकेसन होची 5 मार्क एक दुईट जाक लिख 5-5 10 पाइब ना एसे गोटे लिख 10 मार्क पाइब। तापर देख पे तीन नंबर क्वेश्चन देला गोटे अनसीन पेसेज आसो अनसीन पेसेज अर्थ हो गए पाराग्राफ दी जाइए से पाराग्राफ को तुम पढ़ो तापर तार 5टा प्रश्न दी जाइए प्रति प्रश्न मार्क हो 2 मार्क लिखाए तो 2×5=10 ठीक अच्छे। तो अनसीन पेसेज हो 10 मार्क दुई नंबर एसे कि लेटर राइट आप्लिकेसन हो 10 एक आसला प्रोज एंड पोएट्री 10 एथ्रु पे तुम कौन बुझ एथ्रु बुझल जे तुम जो नॉन डिटेल टेक्स्ट अच्छी नॉन डिटेल जो टेक्स्ट अच्छे पे जो थे तुम पाठ संख्या अच्छी 4टी से 4टा पाठर केवल आउ केवल एमसीक्यू भाव में पढ़व कौन सी प्रकार तरह सब्जेक्ट प्रश्न पढ़व ना मीन से दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न केवे घोषे ट्राए करना तो कौटे ट्राए करना तुम प्रोज आउ पोएट्री जो अच्छी 7टा चैप्टर से 7टा चैप्टर प्राक्ट कर ठीक अच्छे। अच्छा तेल कौन 7टा चैप्टर को आम समान भाव में प्राक्ट करवा कि आंसर हूँ ना किमी प्राक्ट करवा तुमको आउ टे पर कह ठीक अच्छे। तो ये जिन आम बुझीगले हाँ पे देख आउट छाड़ देली अनसीन मेसेज अर्र अच्छी ट्रांसलेसन एंड राइटिंग रिपोर्ट ठीक अच्छे। जब अनसीन मेसेज तुम जब न करपच तो ट्रांसलेसन तुम्हें आसो 5टा ओडिया दी जाइए ताकि तुमको इंग्लीश ट्रांसलेसन कर गोटे रिपोर्ट राइटिंग आसो ता मत 5 मार्क आसो ओके। तो ये प्रकार तुम पद्धति अच्छी ओके। एवं देखिए आमर सिलेबस कौन अटे जो आम सिलेबस को देखु पे यहाँ हूँ तुम फॉर्मेटिव एसेसमेंट 1-2 रो सिलेबस जहाँकि समेटिव एसेसमेंट 1 बोली कहीपर तापर यहाँ हूँ फॉर्मेटिव एसेसमेंट 3 और 4 जहाँकि समेटिव एसेसमेंट 2 रो सिलेबस कहीपर आमर निर्देश अच्छे पे समेटिव एसेसमेंट 1 रो 30% प्रश्न आसो 30% के 80 मार्क जब मुझे 30% बाहर करी आस पे 24 मार्क अर्थात पे जो जी पाठ अच्छी एथर 24 मार्क प्रश्न आसो ठीक अच्छे। केतटा पाठ अच्छी जी आपको आम काउंटिंग करें पे ये 10टा चैप्टर आसो ठीक अच्छे। कौन कौन 10टा आसो ना मुख्यतः आसो तुम गद्य रु आसो 2टा पद्यर आसो 2टा नॉन डिटेल रु आसो 2टा आउ ग्रामर आसो 4टा तो 3-2-4 पद्य 2टा गद्य 2टा नॉन डिटेल 2टा आउ ग्रामर 4टा तो 10टा एमती पाठ हो समेटिव एसेसमेंट 1 किंतु यही 10टा चैप्टर को तुम जब पूरा पानी करदेव एथ्रु मात्र मार्क रोक तुम 24 मार्क। आउ गोटे पिला कौन करना ये जो समेटिव एसेसमेंट 2 रो सिलेबस रे टोटल 8टा चैप्टर अच्छी ये 8टा चैप्टर जब प्राक्ट कर तेज तार आसो के 80 रो 70% ये आसो तो पाखापाखि 56 मार्क
सेथिरे वीडियो स्टार्टिंग रे मु कहुतली जे एतिक जदि जे पढ़िबो तार 6 मार्क सुनिश्चित एथिरे कोन कोन अछि ना एथिरे पिला माने अछि तमरो प्रोज रु गोटे कि रेडे प्रोज रु दिडे थिला तापरे पोएम जो अछि पिला माने एथु पोएम दिडा एथे मो दिडे थिला त नॉन डिटेल पिला माने एडे दिडा एडे बि दिडा थिला तारे ग्रामर पिला माने एथे होछि तमरो टोटल 3टा एथे हो 4टा तो एडे 10 एडे 8 तो एडे 8टा चैप्टर पढ़ी कि तमरो 56 मार्क सुनिश्चित रूपे रही जीवो ओके तो एथुरु आमे कोन बुझले एथु बुझले जे आमर प्रिपरेशन से प्रकार हे दरकार जे प्रिपरेशन रे बा जे टाइम टेबल रे ए गुडी को आमे अधिक फोकस करबा उचित ठीक अछि जे देखो डिटेल रे तमरो अछि पिला माने समेटिव सेशन 2 रे विलेज सॉन्ग गुडे पोएम अटे आउडे पोएम होछि फ्रॉम द फॉर्मलिनजा दिटा पोएम अछि त देखिया प्रोज गुटे गा अछि फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉन डिटेल रे दिटा अछि तो विलेज जॉर्ज आउडे होछि एग्रेशन ऑफ इंडिया तापर अछि तमन इंग्लिश ग्रामर रे पिला माने देखो 3टा अछि आडवर्ब क्लॉजेस द पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ठीक अछि एपुर जदि आसीबा समेटिव एसेज 1 कथा त एक पोएम अछि दिटा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आउडे होछि द सॉलिटरी रिपर तापर प्रोज रे आसीबो गद्य रे आसीबो लेटर टू गॉड एट द हाई स्कूल नॉन डिटेल देखिबा ए टाइगर इन द हाउस आउडे होछि द बेगर ग्रामर टाइप ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन नाउन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस इमिति अछि ठीक अछि पिला माने तो ए प्रकारे तमे प्रिपेरेसन करो आउ जदि किसी डाउट अच्छे तेज कमेंट सेक्शन कमेंट करो मुझ ट्राए करी तार परवर्त भिडियो तार समाधान नहीं आसापी ठीक अच्छे तो चलो पे समस्त को धन्यवाद।